नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं लोकमत का नेशनल कॉन्क्लेव। हमारे पहले मेहमान हैं देश के एक युवा लेकिन बहुत शक्तिशाली नेता, एक ऐसे नेता जो अपनी बात खुलकर कहते हैं और ये अपनी बात पहुंचाने के लिए जरिए भी ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर पर उनकी बातें लाखों लोग सुनते हैं, ये अपने विचार प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। और सबसे अच्छी बात, उमर अब्दुल्ला में हिपोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग सबसे पहले ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर साहब स्वागत है। शुक्रिया आपने वक्त दिया हमको। उमर साहब, टॉपिक आज का जो है इस सत्र का वो ये था कि क्षेत्रीय पार्टियों की क्या चुनौतियां हैं आज की राष्ट्रीय भूमिका में, राष्ट्रीय राजनीति में। उससे पहले क्योंकि हमने अभी देखें जो नतीजे 5 राज्यों के चुनावों के, उसने भी बहुत कुछ बताया है। हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब 30 वर्षों के बाद 2014 में एक पार्टी को हुकूमत मिली अपने दम पर, और उसके बाद स्टेट इलेक्शंस में, चाहे वो यूपी के इलेक्शन रहे हो या और राज्यों के, हमने क्षेत्रीय दलों की इम्पोर्टेंस घटते हुए देखी है, उनकी स्पेस कम होती हुई देखी है। लेकिन क्या इन 5 राज्यों के नतीजे आपको लगता है 2014 से पहले वाले दौर में देश की राजनीति को ले जा रहे हैं जहां रीजनल पार्टीज का अपना एक इन्फ्लुएंस था? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस मुल्क के तमाम रियासतों में रीजनल पार्टीज़ का असर नहीं है, कुछ चंद रियासतों में है। अब आपने 5 रियासतों की बात की जिनमें 3 में कांग्रेस जीती और 2 में रीजनल पार्टीज़। अब जिन 3 रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी हुई उनमें तो कभी रीजनल पार्टीज़ का कोई असर रसूख रहा नहीं है। वहाँ पे तो सीधा सीधा टक्कर अगर रहा तो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रहा है। तो उनके नतीजों को देख के ये कहना कि नहीं जी यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का जो है स्पेस वो श्रिंक हो चुका है, वो शायद गलत होगा कहना, क्योंकि यहाँ पे तो कभी रीजनल पार्टीज़ का स्पेस था नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो 2 रियासतें और भी थीं, वहाँ पे तेलंगाना थी, वहाँ पे तो रीजनल पार्टी की ही कामयाबी हुई और बहुत भारी कामयाबी रही। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपनी मजबूरी समझी एक दूसरे रीजनल पार्टी के साथ अलायंस करने की। वो दूसरी बात है कि उस अलायंस का लोगों ने सही जवाब दिया नहीं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट देखें, वहाँ पे भी कांग्रेस की अगर हार हुई तो एक रीजनल पार्टी ने उसको शिकस्त दी, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं हारे। तो मिल मिला के अगर देखा जाए तो ये कहना कि रीजनल पार्टीज़ की अहमियत या रीजनल पार्टीज़ की स्पेस जो है वो घट गई है, शायद ये कहना गलत होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी वक्तन फवक्तन रीजनल पार्टीज़ के साथ ही अलायंस करके हुकूमत बनाई। बिहार का मिसाल ले लीजिए, पंजाब का मिसाल ले लीजिए, इसी तरह कांग्रेस का भी, और कई सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ की हुकूमत चल रही है। चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए और तमिलनाडु ले लीजिए। मिल मिला के अगर देखा जाए तो आने वाला जो 2019 का इलेक्शन होगा इसमें कांग्रेस का तो सबसे अहम रोल बनेगा ही, क्योंकि ऑपोजिशन यूनिटी में भी एक बड़ी पार्टी की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रीजनल पार्टीज़ के बिना, क्षेत्रीय दलों के बिना जो है ये मुकाबला हम लड़ नहीं पाएंगे। आपने बड़ा खुलकर तारीफ की राहुल गांधी की इन चुनावों के बाद, नतीजों के बाद। जब आप लोग खुल के राहुल गांधी जी की मतलब मैं मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन चलिए आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं। जब कुछ गलत हो जाता है, जब कांग्रेस की थोड़ी सी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है तो कहते हैं ना ये राहुल गांधी की कमज़ोरी है, राहुल गांधी फेल हो गया, राहुल गांधी किसी लायक नहीं है। लेकिन जब कामयाबी होती है तो उसका इतना तो हमने कभी नहीं कहा। मैं जब आपकी बात करता हूँ, मैं मतलब पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब आप हर हार के लिए राहुल गांधी को कसूरवार ठहराते हो तो फिर हर जीत के लिए क्रेडिट राहुल गांधी को जाना चाहिए। इसी तरह जैसे आप बीजेपी में अभी तक जब आप यूपी जीत रहे थे, जब आप बाकी रियासतों में जीत रहे थे, गुजरात जीत रहे थे, महाराष्ट्र जीत रहे थे, तब तो सब कह रहे थे ना ये मोदी का चमत्कार है, मोदी जी का जादू है, मोदी जी जो है वो जीत, जहाँ जाते हैं हम जीतते हैं। तो ठीक है ना, वो जीत की हमने श्रेय जो है वो मोदी साहब को दी। लेकिन जब हारने का काम हुआ तो आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हारा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हारे, राजस्थान में
हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया जी हारी, अगर कामयाबी मोदी साहब की है तो फिर हार भी मोदी साहब की होगी ना। हार का कारण आप किसी और को नहीं दे सकते। देखिए, इस इल्जाम से बचने का बीजेपी के नेताओं ने एक तरीका निकाल लिया है। वो कहते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो हम और बुरी तरह हारते, मोदी जी ने थोड़ी इज्जत बचा ली हमारी। अब ना मैं क्या कहूँ, अगर यही बहाना रहा आपका तो इसके बाद कोई जवाब ही नहीं रहा, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने वहाँ कैंपेन नहीं की। मोदी जी गए, उनका जो बीजेपी में अब लग रहा है उनके बाद जिनका जोर होगा, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कोई कसर बाकी नहीं रखी। कोई 60-70 उन्होंने इलेक्शन रैलीज एड्रेस किए, और आम तौर पे ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं तो हमें ये मान के चलना होगा कि जिस जादू की बात चल रही थी, जो कह रहे थे कि मोदी साहब और अमित शाह साहब के हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी है कि वो इलेक्शन हार ही नहीं सकते, कम से कम हमें इतना तो इत्मीनान हो गया है कि उनके रहते भी वो इलेक्शन हार सकते हैं और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को जितवा सकते हैं। आपकी, मैं ये पूछना ही चाह रहा था आपसे, आपके नज़रिए से इस इन नतीजों का मैसेज क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? कि लोगों में गुस्सा है और केंद्रीय सरकार जो है, मरकज़ की हुकूमत जो है, वो अभी तक इस गुस्से को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। मोदी साहब में एक बड़ी बात यह है, वो बोलते बहुत हैं, लेकिन नहीं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, मैं ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात यह है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सुनते कम हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मोदी साहब को जितना सुनना चाहिए उतना शायद वो सुन नहीं रहे हैं। नहीं तो किसानों में जो गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, उद्योगपतियों में जो गुस्सा है, मुझे एक मतलब एक हिस्सा दिखाइए इस मुल्क के आबादी का, इस मुल्क की पॉपुलेशन का, जिनमें गुस्सा नहीं है। कोई बढ़ती हुई महंगाई से गुस्सा नाराज़ हैं, कोई मतलब किसानों की पैदावार का जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो ना मिलने की वजह से नाराज़ हैं, कुछ डिमोनेटाइजेशन की वजह से नाराज़ हैं, कुछ बढ़ते हुए तेल की कीमतों से नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़ हर कोई है। और इस नाराज़गी का नतीजा ये है कि जिन रियासतों को आप 3-3 बार लगातार जीतते आए, जो सर्वे के मुताबिक भी लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बीजेपी कम मार्जिन से ही सही लेकिन वो जीत जाएंगे, नहीं जीते। शायद अंदाज़ा नहीं कर रहे थे लोग कि रमन सिंह साहब जो मतलब इस मुल्क के सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टरों में गिने जा रहे थे, वो इतनी बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में उनकी हार होगी, इसलिए क्योंकि वहाँ नाराज़गी है लोगों की। आप भी इस हार के लिए मोदी सरकार को, खुद मोदी जी को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं बजाय कि उनकी जो सरकारें वहाँ चल रही थी उनके काम को? नहीं, अब अगर बीजेपी जीत जाती तो क्या क्रेडिट रमन सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी को दी जाती? नहीं ना। अगर वो जीत गए होते बीजेपी वाले तो आपके चैनलों पे बैठ बैठ के हमारे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो थक नहीं जाते मुल्क को ये कहते कहते कि ना देखिए जी, मोदी साहब को हराया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप क्रेडिट उनकी कामयाबी के लिए आप उनको देने के लिए तैयार थे तो हार की जिम्मेदारी भी सबसे पहले उनको देनी होगी, उसके बाद बाकियों को। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ विपक्षी दल और कुछ कांग्रेसी नेताओं तक ने कम से कम बीजेपी को सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया, कंग्रेचुलेट किया कि आपने जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश कम से कम नहीं की। इसमें भी हमें अफसोस होना चाहिए, इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने वही किया जो मतलब हमारे संविधान, हमारे आईन के तहत सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, लेकिन उसको हम एक अजीब सा करिश्मा माने, इसका ये मतलब है कि हम मतलब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से इतना दूर हट गए हैं कि जो आदमी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को मतलब बिना सवाल पूछे फॉलो करे, उसको हम एक मिसाल के तौर पे पेश करते हैं और कहते हैं ना, वाह आपने बड़ा अच्छा काम किया जो आपने जोड़ तोड़ की हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं की। जोड़ तोड़ की हुकूमत जो है, इट शुड बी एन एक्सेप्शन, बट हमें तो ये लग रहा है एज इफ इट हैज़ बिकम द रूल। और बदकिस्मती से ये सिलसिला चलता आया है, राजभवनों का गलत इस्तेमाल, ये मतलब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर ने इसका बहुत भारी जो है हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन और रियासतों में भी हमने बार बार ये देखा है
کہ راجبھون کا استعمال ہوتا ہے لوگوں کے فیصلے کو جو ہے اس کو توڑ مروڑنے کے لیے. پچھلے دنوں کرناٹکا میں بھی کوشش کی گئی تھی, شکر ہے عدالت نے اس کوشش کو روک دی, اور مدھیہ پردیش اور راجستھان میں شاید بی جے پی کو عقل آئی اور انہوں نے یہ کیا نہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ماننا, دے شوڈ نیور بی این ایکسیپشن, اٹ شوڈ بی دا رول. آپ نے گورنر ہاؤس کی بات کری کہ اس کا بھیجا استعمال ہوتا ہے, میں تو صرف پوچھا تھا آپ نے فیکس مشین بھیجوا دی یا نہیں. نہیں, اس لیے نہیں کیونکہ جب دوسری بار میں نے چٹھی بھیجنے کی کوشش کی تو سننے میں آیا ہے کہ فیکس مشین جو ہے وہاں چلنا شروع ہو گیا, اور ایسے حالات میں پھر مجھے بھیجنے کی ضرورت پڑی نہیں. لیکن وہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب سا قصہ ہے. ہم نے چٹھی بھیجی نہیں, چٹھی پہنچی نہیں, اور پھر گورنر صاحب نے کہا کہ آپ کو خود لے کے آنا چاہیے تھا. اب ہماری ریاست جو ہے باقی ریاستوں سے الگ ہے. جموں کشمیر میں ہمارے کیپٹل سٹیز دو ہیں, گرمیوں میں ہم سرینگر میں ہوتے ہیں, سردیوں میں ہم جموں میں ہوتے ہیں. اب ہم بیٹھے تھے سرینگر میں, گورنر صاحب بیٹھے تھے جموں میں, وہ کہہ رہے تھے آپ اچانک آ سکتے تھے, کیسے آ جاتے, جہاز تو ہمارے پاس تھا نہیں کہ ہم جا کے وہاں چٹھی دے دیتے. طریقہ یہی رہا ہے, اور ہسٹوریکلی طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ فیکس سے بھیجیے, کیونکہ فیکس میں آپ کو رسیٹ آ جاتی ہے, دیٹ رسیٹ از دین پروف آف ڈلیوری آف دا لیٹر. فیکس مشین چلا نہیں اور ہماری حکومت بنی نہیں. فیکس مشین چلا ہوتا تو کم از کم میں چلیے حکومت میں شامل ہو کے تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا, لیکن حکومت کو مدد کرنے کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوتا. لیکن میں نے تو آپ کا ایک ایسا ٹویٹ بھی دیکھا جس میں آپ نے راجپال جی کی تعریف بھی کی اور یہ کہا کہ اچھا ہے کہ آپ نے دلی کی طرف نہیں جھانکا, نہیں تو آپ کو دوسری سرکار بنانی پڑتی. وہ فیکس مشین سے ہٹ کے بات ہے نا, کیونکہ گورنر صاحب نے کیا کہا, کہا کہ اگر میں نے دلی کی طرف دیکھا ہوتا تو مجھے مجبوراً کسی ایسے بندے کو چیف منسٹر بنانا ہوتا جس سے کہ ذاتی طور مجھے شرمندگی, مجھے ایک اٹ وڈ ہیو بین این امبیرسمنٹ فار می. تو ایسے حالات میں اگر گورنر صاحب نے دلی کی طرف بے ایمانی ہوتی, انہوں نے کہا وہی کہا میری بدنامی ہوتی, کہا میری بدنامی ہوتی اور یہ میرے طرف سے ایک بے ایمانی ہوتی. تو اگر گورنر صاحب نے دلی کی طرف نہیں دیکھا تو بڑی اچھی بات ہے. موٹے طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا رول ٹھیک تھا اس پورے ایپیسوڈ میں؟ نہیں, اب فیکس مشین چل جانا چاہیے تھا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ فیکس مشین چل جانا چاہیے تھا, ہماری چٹھی گورنر صاحب کے پاس پہنچ جانی چاہیے تھی. اچھا, میں مانتا اگر کہ ہم نے جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو لایا ہوتا, جی اگر میں نے کچھ انڈیپینڈنس جمع کیے ہوتے, اگر میں نے کسی اور پارٹی سے لوگوں کو توڑنے کا کام کیا ہوتا, پھر میں مانتا ہوں کہ گورنر صاحب کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا کہ ہاں جی آپ کے پاس نمبر ہیں. لیکن ہمارے کیس میں تین پارٹیاں تھیں, رجسٹرڈ ریکگنائزڈ پارٹیاں, ایک میں 29 ممبر, ایک میں 15 ممبر, ایک میں 12 ممبر ایز سرٹیفائڈ بائی دی لیجسلیٹو سیکرٹیریٹ. ہماری اسٹرینگتھ ان تینوں کو ملا کے ہم ہاف وے پوائنٹ کو کور کر جاتے تھے. اب اس چیز کو ہمیں صرف اسمبلی کے اندر ثابت کرنا تھا. گورنر صاحب نے صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا کہ کیا یہ نمبر ہیں یا نہیں ہیں. وہ نمبر تو ہمارے پاس تھے. تو گورنر صاحب کی طرف سے یہ آنا کہ نہیں جناب یہ ان کی سیاسی سوچ الگ ہے, گورنر صاحب یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کسی کی سیاسی سوچ کیسی ہے. کیونکہ اگر وہ یارڈ سٹک آپ نے اپلائی کیا ہوتا تو پھر مجھے بتائیے نا بہار میں حکومت کیسے بنتی, کیونکہ نتیش کمار صاحب اور بی جے پی نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا. نتیش کمار صاحب تو لالو کے ساتھ تھے, پھر لالو صاحب کو چھوڑ کے وہ بی جے پی کے ساتھ واپس چلے گئے. ان کی سیاسی سوچ الگ نہیں ہے. یہاں تک کہ 2014 میں جب جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے, پی ڈی پی اور بی جے پی نے جم کے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا, لیکن اس کے بعد ایک ساتھ حکومت میں آئے. کیا پی ڈی پی اور بی جے پی کی سیاسی سوچ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے؟ اگر یہی ترازو آپ استعمال کریں گے, کل کو اگر آنے والے جو پارلیمنٹ الیکشن ہیں ان میں اگر بی جے پی کی پوری طرح سے بہومت نہیں بنتی اور آپ کو کئی اور سے دوست جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیا راشٹرپتی جی جو ہیں وہ بھی یہی یارڈ سٹک استعمال کریں گے کہ آپ کی سیاسی سوچ جو ہے وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے؟ یا آپ سیاسی سوچ کا سرٹیفکیٹ گورنر صاحب کو نہیں دینا ہوتا ہے. گورنر صاحب کو صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ از دس کلیم کریکٹ, دیٹس آل. محبوبہ مفتی جی سے آپ کی دوستی کیول ٹویٹر پر ہی ہے یا پرسنلی بھی ہو گئی ہے؟ نہیں, ہم اتنا تو میں آپ سے کہوں کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ملے ہیں بدتمیزی سے ہم کبھی پیش نہیں آئے ہیں.
हमने मतलब वो आप वैसे इंसान भी नहीं है, आपसे कोई नहीं, नहीं, मैं मुझे जब करनी होती है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैमरा फारूक साहब पर है जब ये कह रहे हैं कि मैं, मुझे जब बदतमीजी करनी होती है मैं कर लेता हूँ, लेकिन आमतौर पर करता नहीं हूँ, मुझे अपने माँ बाप ने ठीक ठाक सिखाया हुआ है। तो मतलब हम जब मिलते हैं तो अच्छे तरीके से मिलते हैं, और लेकिन ट्विटर पे हमारी इतनी दोस्ती थी नहीं, ना मैं उनको फॉलो करता था ना वो मुझे फॉलो करते थे, मैं कुछ कहता था तो उनके तरफ से खामोशी और मतलब मेरे तरफ से भी वही, लेकिन अब थोड़ा बहुत मतलब हम एक दूसरे को और कुछ नहीं तो मदद ही कर लेते हैं वहाँ पे। हालांकि आप इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं, कई मरतबा कर चुके हैं कि जो था उस वक्त गवर्नर साहब के एक्शन को रोकने के लिए था, आप लोगों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया, रियासत को बचाने का था, क्योंकि रियासत में जो हालात बने हुए हैं उससे हम सब परेशान हैं, हम इस बात से भी परेशान हैं कि रियासत की जो खसूसी पोजीशन है 370 को लेके और 35A को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट में बचाने की ज़रूरत है, जनवरी में दोबारा वो तारीख लगनी है। हमारी कोशिश ये रही कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अश्योरेंस लें कि उसको सही तरीके से डिफेंड किया जाएगा, जो अश्योरेंस अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। कई और ऐसे मिसाल हैं जो कि गवर्नर रूल के दौरान कानून बदले गए हैं, तब्दीलियां लाई गई हैं, जिनके असरात जो हैं बहुत दूर तक आपको देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आज के दिन में आप मान के चलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेदारी जो है यहाँ तक है कि रियासत में इस तरह के साजगार हालात बनाए जाएँ कि इलेक्शन मुमकिन हो, उससे ज़्यादा नहीं। इन चीजों को रोकने के लिए हमने कहा कि हम एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। नहीं, ये मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन क्या आप लोगों का ये साथ 2019 में भी जारी रहेगा? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अगर वैसी परिस्थिति दोबारा बन गई कि जम्मू बीजेपी की तरफ एक तरफा झुक जाए और वैली में आप लोग आपस में लड़ते रहे, क्या ये सोच कहीं है अभी आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में? स्कीम ऑफ थिंग्स में तो हम बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जवाब आपके पहले सवाल से जुड़ा होगा, आपने अपने पहले सवाल में हम सबको याद दिलाया कि कई ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ तक के केंद्र सरकार भी लगातार कोलिशन गवर्नमेंट रही, और फिर एक ऐसा सिलसिला आया कि लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट्स छोड़ के सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चुने, आप यूपी देख लीजिए, आप केंद्र की हुकूमत देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, कई और ऐसी हुकूमतें हैं। तो इन हालात में मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी अब लोगों को एहसास हो गया है कि वोटों के बंटवारे से रियासत का नुकसान हो गया है, हम लगातार 2002 के बाद वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और चलिए हम जितना कर सके हमने किया है, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब गवर्नमेंट्स नहीं रही हैं, और मैं अपनी जगह ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों को जब फैसला करना होगा वो एक ही पार्टी को वहाँ पे अपना वोट देके, उनको एक क्लियर मेजोरिटी देके रियासत उनके हवाले कर देंगे। अभी आप 35A की बात कर रहे थे तो उससे मुझे याद आया, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार में ये सोच है कि हमें कुछ एक बड़ा काम करना पड़ेगा दिखाने के लिए देश को, ताकि हम एक बार फिर नैरेटिव अपने पक्ष में ला सकें। उसमें कुछ लोग जिक्र करते हैं राम मंदिर का, कि शायद अयोध्या में राम मंदिर के लिए कोई पहल सरकार कर देगी। कुछ लोग जिक्र करते हैं कश्मीर का, कि 35A पर शायद सरकार के सोच में कुछ है और एक टफ स्टैंड अगर ले लिया जाए तो उससे बहुत जनता जो है कुछ नहीं हो उनकी तरफ आएगी। कुछ नहीं, जब 4.5 साल आपने कुछ नहीं किया तो 6 महीने में आप क्या करोगे? लेकिन अब लोगों का पेट इन चीजों से नहीं भरता, अगर लोगों का पेट इन चीजों से भरता तो शायद बीजेपी कभी इलेक्शन नहीं हारती। आम तौर पे मुझे लगता है कि इस मुल्क का जो नागरिक है वो अब समझ चुका है कि बीजेपी वाले क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। आपने राम मंदिर की बात की, अगर जब 4.5 साल में आपने नहीं बनाया तो आखिरी 6 महीने में आप क्यों बनाने जा रहे हो? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन लड़ना है तो आपको राम मंदिर से सिर्फ इतना ही प्यार है जितना आपको इलेक्शन जीतने से है। अगर आपको राम मंदिर से इलेक्शन से ज्यादा आप उससे प्यार करते तो आते आते आप बनाने का काम करते। मान लीजिए उनकी पॉलिटिक्स ही हो, लेकिन अगर वो बना लेते हैं पॉलिटिक्स ही सही ना, फिर ना तो क्या उसका असर क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कहाँ पे
मान लीजिए राम मंदिर को ऑडिट के लिए ऑर्डिनेंस ले आए या पार्लियामेंट में बिल ले आए सरकार, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इसका असर क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को इसका उतना फायदा होगा जितना वो उम्मीद लगाए बैठे। नहीं तो यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने हर भाषण में जो इन्होंने इन रियासतों में कैंपेन की, क्या हर भाषण में उसने राम मंदिर की बात नहीं की? हर भाषण में उन्होंने कहा कि ना हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। वोट मिले? नहीं मिले ना। किसान की नाराजगी कम हुई? नहीं हुई। नौजवानों की नाराजगी कम हुई? नहीं हुई। जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि जो मोदी साहब ने उनको रोजगार के वादे किए वो रोजगार उनको मिलेंगे, जो वादा हुआ कि इतने लाख रुपए हर किसी के बैंक अकाउंट में जाएंगे वो भी नहीं आए, वो नाराजगी इन नारों से दूर नहीं होगी। मुझे लगता है कुछ हद तक वो नाराजगी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये और ज्यादा हमारे साथ धोखा करने निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए तो वो ये कहते हैं इस सेटबैक के बाद भी जो हार हुई राज्यों में, कि इसको आप कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए 2019 के साथ। 2019 में जब नरेंद्र मोदी अपने नाम पर अपने लिए वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो उस वक्त फिजा और होगी। ये तो कहने की बात है ना, ये कहने की बात है। आम तौर पे हमारी एक्सपीरियंस ये है कि एक बार मूड बदल जाए तो उस मूड को फौरी तौर आप वापस नहीं ले सकते हो, और हवा बदल चुकी है। अब एक हवा की जो ये जो फिजा है ये बदल चुकी है, इतनी जल्दी बीजेपी वाले इसको अपने कमांड में ले नहीं पाएंगे। एक इन्होंने एक यहाँ पे एक माहौल बनाया हुआ था कि इलेक्शन हार ही नहीं सकते, कि अमित शाह साहब एक ऐसे माइक्रो मैनेज करते हैं पोलिंग बूथ लेवल पर जाके कि नामुमकिन है उनका इलेक्शन हारना। उनके पास पैसा इतना है कि वो पानी की तरह पैसा बहाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे, और मोदी साहब ऐसी जोर और ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं कि वो लोगों को अपने साथ खींचने का काम करते हैं। इस बार सारा कुछ साबित हुआ ना, ना उनका पैसा चला, ना उनकी ऑर्गेनाइजेशन चली, ना मोदी साहब का कैंपेन चला। मतलब ये कि फिजा और हवा जो है वो आपके हक में नहीं है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हवा बदल गई, तो अब 2019 में उस परिस्थिति के बारे में बात करें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको साथियों की जरूरत है साथ आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। उस सूरत में आज क्या कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि यूपी और बिहार सब जानते हैं कि ये दो राज्य ऐसे हैं जो तकदीर लिख देंगे किसी भी पार्टी की, और मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, वहां कोई एकता नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? अभी भी अगर आप देखें तो जो सुनने में आता है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक वहाँ पे एक इक्वेशन है। अब सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक कांग्रेस इस अलायंस में अकोमोडेट हो जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बोझ उठाने का काम जो करना होगा वो SP और BSP को करना होगा। वो तो दूर भागते हैं कांग्रेस के नाम से, खुल के बोलते हैं कि हमको यूपी में परेशान मत कीजिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को भी ये मतलब इस चीज़ को तस्लीम करना होगा कि यूपी में वो इतने मतलब ताकतवर नहीं हैं जितने थे। कुछ ऐसी रियासतें होंगी जहां पे टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का होगा, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें होंगी जिसमें कांग्रेस को बैक सीट लेके रीजनल पार्टीज या दूसरी पार्टियों को मदद करनी होगी। उसमें कांग्रेस को एक कदम पीछे लेने के लिए वो उनको तैयार रहना होगा। फिर ममता बनर्जी जैसी ठीक है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग एलर्जिक क्यों है? ये लोग राहुल गांधी के नाम से ज्यादा नहीं, कोई ऐसा लगता है कि ये आप फिर उसी बात पे आ गए। कोई एलर्जिक नहीं है ना, राहुल गांधी के नाम से कोई एलर्जिक नहीं है। एक थोड़ा सा वक्त लगता है एक रिश्ता बनाने में। अब हमने कई साल सोनिया गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी जी UPA की चेयरपर्सन थी, एक फेमिलियरिटी एक कम्फर्ट लेवल सा बन गया था। अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी बन गए, अब थोड़ा सा वक्त लगता है एक रिश्ता बनाने। मेरे लिए तो दूसरी बात है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हर कोई मेरी तरह है नहीं ना। तभी तो आप उनकी तारीफ इतनी करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जब मुझे हटके तारीफ से हटके कुछ बात करनी होती मैं वो भी कर जाता हूँ। लेकिन इस इलेक्शन ने राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ा दिया और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ा दी बाकी पार्टियों के और नेताओं के बीच में। ना कामयाबी से तो बढ़ ही जाएगा ना, जब आपकी कामयाबी होती है तो उससे स्टैचर बढ़ ही जाएगा। लेकिन आप NDA में रहे हैं, पहले भी रहे हैं, क्या बदल गया है? वो चेहरा बदल गया, वो इरादे बदल गए, वो काम करने का तरीका बदल गया।
हमने वाजपेयी साहब के एनडीए में हिस्सा लिया, जिस एनडीए में ना मंदिर की बात होती थी, ना कॉमन सिविल कोड की बात होती थी, ना 370 की बात होती थी। अगर उस हुकूमत में मंदिर और 370 और कॉमन सिविल कोड की बात हुई होती, हम उसमें भी हिस्सा नहीं लेते। हमारी सोच उनसे ज़्यादा मिलती जुलती थी, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इन दायरों में जम्मू कश्मीर की बात हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब लाने की बात चली। यहाँ तक के उस दौर वाजपेयी साहब की हुकूमत हिजबुल मुजाहिदीन से बात करने के लिए तैयार थी। बहुत मतलब बहुत कुछ बदल गया ना। आज तो सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं तो हंगामा हो जाता है। जाना चाहिए, लेकिन अब हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम लाख कोशिश करें, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान था, है और रहेगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि उनके साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर कैसे कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से आप सिर्फ चुटकी बजा सकते हो। तो जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी मतलब मुश्किलात हैं पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान को उन्हें भी समझना होगा। इमरान खान साहब के लिए आसान है कहना कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़े तो वो दो कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जब जब एक कदम आगे चले हैं, ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि हमें चार कदम पीछे हटना पड़ा। ये मतलब मोदी साहब के खिलाफ तो मतलब मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ और मैं काफ़ी चीज़ों पे मोदी साहब की जम के मुखालफत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ तो हमें मान के चलना होगा कि शुरू शुरू में उन्होंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की। उन्होंने उस समय नवाज शरीफ साहब को अपने स्वेयरिंग इन में बुलाया जब कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसका जवाब हमें मिला। उसके बाद अचानक लाहौर गए और नवाज शरीफ साहब के वो शादी में शामिल हुए, लेकिन उसका भी जवाब फिर पाकिस्तान की तरफ से हमें मिला। तो मोदी साहब ने कोशिश की, उन्होंने एक एक कदम आगे लिया, लेकिन उसका जवाब हमें गलत मिला। ये बड़ी बात है आपकी तरफ से उनके लिए, बात है ना। मैं ये पहली बार आप सिंसियर एफर्ट मानते हैं कि मोदी जी का? मैं मानता हूँ जनाब कि मोदी साहब ने एफर्ट किए। मैं वो अपने मतलब मैं डरता नहीं हूँ उन चीज़ों को कहने से। मोदी साहब ने सिंसियर एफर्ट किए और सिंसियर उनको वहाँ से जवाब मिला नहीं। तो अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि भरोसा करो ना, भरोसे के लिए आपने कोई गुंजाइश रखी नहीं। आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे कि 2019 के बाद जो हुकूमत बनेगी उनका दोबारा आपके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुमकिन होगा। आज वो बात है नहीं, लेकिन मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ। देखना, आप पड़ोसी बदल नहीं सकते। अपनी 100 दिन की सरकार में 10 बार इमरान खान कह चुके हैं इस बात को जो आपने कहा कि हम एक कदम चलूंगा, मैं दो कदम चलूंगा, आप एक कदम चलिए। आपको इमरान खान की नीयत साफ लगती है या नहीं? देखिए, अब नीयत उनकी सही हो ना हो वो उनके मतलब किए हुए से पता चलेगा ना। कहने के लिए तो हम कैंपेन से पहले सारा कुछ कह जाते हैं ना, हुकूमत में आने के बाद करने का वक्त आ जाता है। अभी तक तो वो सिर्फ कैंपेन की बात कर रहे हैं, अब तो वो मतलब वज़ीरे आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब अगर आप कहते हैं कि उनके दो कदम होंगे तो हमारा एक कदम काफ़ी है, तो चले फिलहाल हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे 2019 के इलेक्शन तक। खान साहब भी एक कदम आगे बढ़ाएं। कुछ सवाल अगर आप में से कोई भी व्यक्ति पूछना चाहता हो। मैं ये पूछना चाहता था कि आप भी राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, आप जम्मू कश्मीर में पंडितों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कश्मीर की वादी जो है उनकी वापसी के बिना अधूरी है, और सबका फर्ज बनता है कि हम जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में उस तरह के हालात बनाएं कि वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित समझें। बीच में हमने काफ़ी हद तक 2014 से पहले उस तरह के हालात बनाए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2014 के बाद आज तक लगातार वादी के सूरत हाल में एक खराबी आई है। उसको अब दोबारा हमें बदलना होगा, एक बेहतरी लानी होगी। कश्मीरी पंडितों को वो हमें एहसास देना होगा कि वादी में वो सुरक्षित हैं, और फिर उनको इज्जत से वापस लेना होगा। यहाँ तक जो बात बीच में चली कि उनको वापस लाया जाएगा और कैंपों में वापस लाया जाएगा, देखना आप जेलों में लाने के लिए जो है हमारा इरादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।